हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास ये आर्मेचर है, इसके सारी जो पत्तियाँ वो घिस गई हैं। इसमें अगर हम कोई भी कार्बन डाल लें उसमें चिंगारी निकल रही है, पर ये हमारा आर्मेचर सही है। तो अब हम इसे इस तरह साफ करेंगे कि इसकी सारी पत्तियाँ बराबर ही घिसें। तो सारी पत्तियाँ बराबर घिसने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। अगर आप ऐसी डायरेक्ट रेगमाल से रगड़ोगे तो इसकी कुछ पत्तियाँ बड़ी कुछ पत्तियाँ छोटी रह जाएंगी, जिससे कि हमारा आर्मेचर घिस जाए, वो हमारे बुश घिस जाएंगे और इसकी पत्तियाँ भी ख़राब हो जाएंगी। तो हम इसके लिए अपने, जैसे कि आपको एक रोलर रखना है, रोलर मतलब कि आप जिसमें फंसा के इसे टाइट कर सकें, ठीक है, उसमें आपको फंसा के इसे इस तरह करना है, ये टाइट करके तभी इसका जो आप आगे साइड को नट देख रहे हो उस नट को आपको ओपन करना है। जब आप इस नट को ओपन करेंगे तब आप यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये हमारा खुल चुका है। तो जो हमारा साइड खुल चुका है इसी में हमें अपनी ड्रिल लगानी है। तो ड्रिल किस तरह लगानी है वो आप देखते रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। जिसके भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। अब जैसे कि इसमें देख सकते हो ये हमारा अभी हिल तक नहीं रहा, इतना हार्ड रोलर होता। अब आपको क्या करना है, ऐसे आपको खोल लेना है। खोलने के बाद इसको रोलर को बैरिंग की साइड से कस देना है। जैसे कि बैरिंग हमारे जिस साइड को उसमें सिर्फ रोलर बैरिंग को ही कसना है, पर ज़्यादा लूज रखना है, टाइट नहीं करना। टाइट करोगे तो आपका रोलर भी टाइट हो जाएगा। इस तरह आपको कस लेना है। कसने के बाद इसके हम लेफ्ट हैंड पे अपने ड्रिल को लगा लेते हैं। पहले आपको देखना है टाइट तो नहीं है, बिल्कुल हमारा नॉर्मल घूम रहा, सही घूम रहा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक ड्रिल को कस लेते हैं इस साइड को। आपको इस तरह अपनी ड्रिल को कस के इस तरह, ये आपका घर पे आप जैसे मशीन की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इस तरह से इसका काम कर सकते हैं, इस तरह करके। अब हम अपनी ड्रिल मशीन को जब स्टार्ट करेंगे तो रोलर हमारा घूमेगा। जब रोलर हमारा घूमेगा तो हम यहाँ पर साइड से रेगमाल आपको सारी पत्ती हमारी बराबर ही घिसेंगी, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं रहेंगी। जब कोई छोटी बड़ी रहेगी तो उसकी हमारी मशीन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पा रही, कार्बन चल पा आपको बार बार चल रही है। आप इस तरह से घिस सकते हैं पत्ती सारी। ये हमारी बड़ी घिस चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपस में ज्वाइंट ना हो, ज्वाइंट मतलब शॉर्ट ना हो पत्ती। पहले तो हम इस ड्रिल को अपने निकाल लेते हैं। ड्रिल को निकालने के बाद आप इसकी जो पत्तियाँ देख रहे हो इसमें, जब आप रेगमाल मारते हो तो ये आपस में इसमें जो इसमें, तो आपको इन सबको साफ कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।